नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है रियल ऑडियो के इस चैनल यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए क्या हैं, यहाँ पे रियल ऑडियो की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर यानी RX से 1650 dB। यहाँ हमने 800 वाट, 650 वाट, 600 वाट सारे इसके अंदर बनाए थे, लेकिन ये जो सबसे पावरफुल एम्पलीफायर है इस वाले मॉडल में, ये अभी हमने लॉन्च किया है, जो कि ब्लूटूथ रिकॉर्डिंग सारे फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारी बॉक्स पैकिंग को आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि रियल ऑडियो एम्पलीफायर जो है वो है सर्टिफाइड, यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहता है, और आपको सारी की सारी जो डिटेल रहेगी वो सारी की सारी हिंदी में मिलती है। तो यहाँ पे आपको पंखा दे रखा है, यहाँ पे मजबूत पकड़ वाले आपको टर्मिनल कनेक्टर देखने को मिल जाते हैं, वॉल्यूम के लिए मिड नियंत्रण भी आपको देखने को मिल जाता है, रिकॉर्डिंग और FM रेडियो के साथ भी आपको ये एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। यहीं पे आप ये मॉडल नंबर को भी देख सकते हैं, और ये जो कलर है ये है हल्का सा ब्लू में, यानी आपको अभी हम दिखाएंगे। और यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल सावधानी बरतते हैं, तो इसलिए आपसे हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को लेते समय ये ज़रूर इससे ज़रूर पूरी संतुष्टि कर लें कि ये ओरिजिनल है, यानी हमारे जो डीलर हैं उनसे ही परचेज़ करिए। तो यहाँ पे अभी हम इस एम्पलीफायर को फटाफट से बॉक्स में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपने ये देखी है कुछ इस टाइप की पैकिंग को, तो यहाँ पे हम ये थर्मोकोल को लगा के देते हैं चारों साइड, ताकि अगर कोई एम्पलीफायर को इधर से उधर लेके भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम एक रिमोट भी कंट्रोल करने के लिए देते हैं, यानी आप ये रिमोट को देख सकते हैं, ये काफ़ी मजबूत सा रिमोट हम इसके अंदर डाल के देते हैं, तो इसकी क्वालिटी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं हमारे एम्पलीफायर को ही सीधे सीधे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यह आता है हमारा एम्पलीफायर, हम इसको अभी बॉक्स से निकालते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो कैसे देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अभी आप हमारे इस सामने वाले पैनल को देख सकते हैं, यानी हमारे एम्पलीफायर के सामने वाले पैनल को। रियल ऑडियो के ब्रांडिंग है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी PA सिस्टम पे आता है ये IOC सर्टिफाइड है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहता है। RX B 1650 dB टेक्नोलॉजी फॉर साउंड रेवोल्यूशन, यहाँ पे हमने लो का वॉल्यूम अलग दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मिड का वॉल्यूम अलग आ जाता है, यहाँ पे हम इसको हाई का भी वॉल्यूम अलग दे देते हैं। यहाँ पे आप स्पीकर बॉक्स और हॉर्न दोनों चला सकते हैं, यानी जो आपके ड्राइवर यूनिट होते हैं बाहर, जो आपकी तुरियाँ होती हैं वो भी आप इससे चला सकते हैं। यहीं आप देख सकते हैं ये आता है हमारा ऑक्स और USB का, तो ये दोनों का फंक्शन हम अभी आपको समझाते हैं यहाँ पे कैसे वर्क करता है। यहाँ पे ये ऑक्स USB का यानी इस स्विच इस वाले पैनल के लिए ये वाला जो वॉल्यूम है ये काम आता है। यहाँ पे आप इसके अंदर एक माइक भी चला सकते हैं, तो ये माइक के लिए ये वाला जो वॉल्यूम है ये काम आता है। यहाँ पे ये मेन मास्टर हमने दे दिया काफ़ी हाई क्वालिटी में, जिसको आप अगर फील करेंगे तो आपको काफ़ी हैवी क्वालिटी लगेगी। यहाँ पे आप ये इंडिकेटर लाइट्स को देख सकते हैं, हमने काफ़ी सारी दी है ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन से लेवल तक कितना साउंड आ रहा है। यहाँ पे ये पूरे की पूरी आप ये देख सकते हैं ओवरलोड का है, हमने यहाँ पे ये अलग इंडिकेटर लाइट दे दिया है। यहाँ पे आप एम्प ऑन का अलग इंडिकेटर दे सकते हैं, फॉल्ट का अलग से हमने दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे पावर ऑन का अलग दे दिया है। तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ हो गया, ये आप ये देख सकते हैं। इसकी भी बटन की क्वालिटी में हमने हाई रखने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे आप मार्केट से ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये काफ़ी हैवी चैसे के साथ हमने हर एक क्वालिटी यानी हर एक वॉल्यूम्स की, यहाँ पे पैनल की, यहाँ पे हर एक बटन की क्वालिटी को उमदा रखने की कोशिश करी है। तो चलते हैं यहाँ पे अभी हम आपको बैक साइड दिखाते हैं, यहाँ पे हमें बैक साइड पे क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी अब यहाँ पे आप बैक साइड देख सकते हैं, ये आ जाता है हमारे टर्मिनल सॉकेट्स, ये हमने हैवी क्वालिटी के रखे हैं, यानी मार्केट में आप जितने एम्पलीफायर देखते हैं वो अगर आप पीछे से इसको रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, या फिर आप वायर खींच लेते हैं तो भी ये टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर हमने काफ़ी ध्यान दिया, जो प्लास्टिक है वो काफ़ी हैवी प्लास्टिक में इसको यूज़ करा जा रहा है। यहीं आप देख सकते हैं ये ऑक्स और प्री आउट के लिए अलग से दे रखा है, आप इसके अंदर जैक का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे XLR इनपुट और यहाँ पे आप जैक का इनपुट अलग, यानी आउटपुट XLR से दें या फिर जैक से इनपुट करें, आप XLR से आउटपुट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये बहुत बड़ा सा पंखा दे दिया है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ठंडा करने में मदद करेगा इस बड़े से एम्पलीफायर को। साथ ही साथ ये हॉर्न की स्ट्रिप्स हो गई, यानी अगर आप हॉर्न चलाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कॉमन 70 और 100 दोनों की पावर को देख सकते हैं। यहीं अगर हम बात करें, ये आता है हमारा प्रेस टू रीसेट, यानी रीसेट के लिए ये बटन है, अगर बाई चांस हीट हो जाए या फिर कोई रीसेट मांगे तो आप इसको दबा कर इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे एंटीना के लिए भी हमने दे दिया,
बाई चांस अगर आप अंदर यानी हॉल में कहीं बैठे हैं और अगर आपका एंटेना नहीं चल रहा है तो आप इसमें से एक वायर ले जाके बाहर ऊपर छोड़ सकते हैं, जो कि ये सिग्नल कैच करने में मदद करेगा। यहीं आप देख सकते हैं हमारे फ्यूज़ का सॉकेट काफ़ी बड़ा रखा है हमने, यानी जो फ्यूज़ इसके अंदर हैवी क्वालिटी के अंदर हमने यूज़ करा है। ये आप हमारी पावर पोर्ट की क्वालिटी को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये टाइट करी गई है बाकायदा, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और ये प्लग हमने काफ़ी हैवी प्लग दिया है, जो कि आप इसकी क्वालिटी को यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पीछे की साइड हमने चैसी में ये ध्यान रखा है कि इतने यानी दो दो उंगल के यहाँ पे बाहर की साइड ये जो चैसी है वो थोड़ी सी निकाली गई है। बिकॉज ये क्यों, अगर आप इसे उल्टा करके रखते हैं तो ये जो सॉकेट्स होते हैं ये टर्मिनल्स हो गई, और यहाँ पे ये फ्यूज़ हो गया, ये रिसेट का बटन हो गया, तो इससे ये सेफ्टी बनी रहे, तो इस चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया है। और चैसी जो है हमने काफ़ी मजबूत में रखी है, यानी इसका जो गेज है वो काफ़ी मोटा गेज है, तो यहाँ पे ये लॉन्ग लाइफ रहने वाला है। और पेंट भी हमने ये इसमें हाई क्वालिटी का करवाया है। चलते हैं यहाँ पे, अभी हम आपको इसकी कुछ पावर रेटिंग के बारे में बताते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम मैं बताऊँ इसकी जो पावर कितनी आउटपुट देता है ये, तो ये देता है 1600 से लेके 2000 वाट तक, यानी आपके डिपेंड करता है कि 8 ओम पे चला रहे हैं, 4 ओम पे चला रहे हैं या 2 ओम पे चला रहे हैं। ये बेसिकली ये सारे ओम पे स्टेबल रहेगा, यहाँ पे आपको कहीं सोचे कि 2 ओम पे नहीं चलेगा, तो ये ऐसा डिज़ाइन करा गया है कि 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम सब पे वर्क करेगा। और यहाँ पे तो आपको हॉर्न यानी लाइन मैच हॉर्न का भी ऑप्शन मिल ही जाता है। साथ के साथ ये यहाँ पे आप स्विचेस को दे सकते हैं, इसके अंदर ब्लूटूथ दे दिया है हमने, मेमोरी कार्ड भी दे दिया है इसके अंदर, हमने यहाँ पे पेन ड्राइव लगाने का भी ऑप्शन दे दिया है, आप इससे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। साथ के साथ ये यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग का जो स्विच है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग के काम में आता है। और जस्ट हमने रिमोट तो दे दिया है ताकि आप यहीं से सारी चीज़ कंट्रोल करते रहें इस एम्पलीफायर के लिए, तो यहाँ पे ये आप रिमोट की क्वालिटी को भी देख सकते हैं, तो आप इसको अगर चलाएंगे तो ये सारा इसी रिमोट से कंट्रोल रहेगा। चलते हैं यहाँ पे हमारी इस एम्पलीफायर की टेस्टिंग भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं, यहाँ से हम गाना प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखी इसकी टेस्टिंग, तो हमें ज़रूर से नीचे कमेंट बताएगा ये आपको कैसा लगा एम्पलीफायर। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी जो प्राइस क्या होगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है हमारा, यानी हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। अगर आपको हमारे रियल ऑडियो की डीलरशिप भी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको इस एम्पलीफायर को परचेज करना है तो नीचे आप फ़ोन नंबर आपको दे रखा है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी आप वेबसाइट पर विजिट करें और भी हम जानकारी के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर भी, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, आदाब।